नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोग को स्वागत करता हूँ। मैं एक स्ट्रैटेजी आप लोग को साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये इसलिए मैंने इसके लिए बैंक निफ्टी को चुना हूँ क्योंकि ये बैंक निफ्टी वोलेटाइल रहता है, इसीलिए बैंक निफ्टी को चुना हूँ। तो इसका मैंने पिवट पॉइंट का लगाया, इधर फिशर ट्रांसफॉर्म लगाया नीचे, और वाइप पीरियड का ई एम ए, 8 पीरियड का ई एम ए, 13 पीरियड का ई एम ए लगाया और बी डब्ल्यू ए पी लगाया। इसका मेन ये यह है कि क्या करना है कि बी डब्ल्यू ए पी और 5 पीरियड ई एम ए का क्रॉसओवर होना चाहिए। इसका कोई भी कैंडल क्रॉसओवर पूरा बॉडी क्लोज, पूरा बॉडी क्लोज ऊपर होना चाहिए, तो ऊपर या नीचे होना चाहिए नेक्स्ट कैंडल का। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का बॉडी जब उसका हाई या लो क्रॉस करेगा तो एंट्री लेना है। इधर देखिए, इधर कोई क्रॉस नहीं हो पाया। इधर देखिए पूरा ये कैंडल पूरा नीचे क्लोज हुआ है। इधर क्रॉस ओवर 5813 का भी क्रॉस ओवर हो चुका है, और 5 पीरियड ए में और बी डब्ल्यू ए पी का भी क्रॉस ओवर हो चुका है। ये कैंडल का लो देखिए, इसका ये कैंडल इसका बॉडी क्रॉस किया, तो इधर आप लोग एंट्री ले सकते थे। तो इतना 27005 में आप लोग एंट्री ले सकते थे, तो इतना नीचे आ गया, 27727 तक आ गया। तो नेक्स्ट डे ये पहले डे में देखते हैं, 26 तारीख को देखिए, इधर नीचे ये बॉडी पूरा क्लोज हुआ है। इसका बॉडी इसका क्रॉस ओवर हो चुका है। क्रॉस ओवर हो चुका होने के बाद 785 से 785 ये लो, इसका लो ये इधर क्रॉस हो रहा है। 785 से देखिए इधर लो हुआ है ऑलमोस्ट 743, इधर भी 50 पॉइंट तक आप सब मिल सकते थे। और ये देखिए इधर ये कैंडल ने बॉडी ऊपर क्लोज किया है, पूरा क्लोज किया है। तो इसका हाई जब देखिए ये कैंडल का बॉडी क्रॉस किया है इधर 27984 में, और इधर ऊपर भी आया है 27073 तक, ठीक है। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं, ये कमोडिटी में आप लोग 10-15 मिनट में ऐसे कर सकते हैं। इसका और भी इफेक्टिव किया जा सकता है पॉइंट एंड फिगर चार्ट से। मैंने जो करता हूँ, मैंने जो ट्रेड करता हूँ पॉइंट एंड फिगर चार्ट 1 मिनट का यूज़ करता हूँ, और पॉइंट एंड फिगर में एक्चुअली टाइम का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये पॉइंट एंड फिगर इनको ये सब का टाइम का कोई, ये प्राइस एक्शन में चलता है, आप किसी भी टाइम पर ले लेते हो, कि मैं 1 मिनट में अच्छा है। देखिए इधर आप लोग इसको क्या पॉइंट एंड फिगर क्यों इफेक्टिव रहता है, क्योंकि इसका वैल्यू पूरा सेट किया जा सकता है और ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। देखिए बैंक निफ्टी का 50 डिफ़ॉल्ट आपको को आएगा, सभी को सब स्किप को आपको डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू आ जाता है, और इधर रिवर्सल में 3 आता है, वो एक आप लोग को करना है। तो आप लोग किसी भी वैल्यू सोच लीजिए, इधर सोच लीजिए पी वी आर लेंगे, तो इसके लिए आप लोग 5 वैल्यू सेट कर सकते हैं और 1 रिवर्सल पॉइंट रख सकते हैं। तो इधर देखिए, इधर जब क्रॉस ओवर ऑलरेडी हो चुका है, तो इधर जब नीचे एक आ गया है, जब नीचे जब आ गया है, तो इधर आप लोग बिल्कुल कैलकुलेट करके कर सकता है। मैंने ऐसे स्ट्रेटजी में भी मैंने काम खुद काम करता हूँ इस पॉइंट ऑफ फिगर चार्ट में। इधर देखिए इसका नीचे जब आप लोग एंट्री लेंगे, तो ये देखिए 50 50 50 इधर तक आ गया। तो इधर देखिए एक पॉइंट का रिवर्सल हुआ, तो इधर एंट्री नहीं लेने नहीं अच्छा है, लेकिन ले सकते हैं। इधर रिवर्सल, एक पॉइंट का रिवर्सल हुआ, उसके बाद आप लोग इधर 830 में एंट्री लेंगे, तो लगभग आप लोग को 876 में आपको मिल सकता है। तो जब एंड डाउन ट्रेंड डाउन में है, तो नीचे ही लेना ठीक रहेगा, और जब ट्रेंड अप में है तो ऊपर लेना ठीक है। इसके साथ मैंने मेरा जो न्यू वैसल लेवल का बनाया है, उसका मैंने इसके साथ मतलब एक साथ देखता हूँ, 5 करके ही करता हूँ, तो ये लॉस का संभावना बिल्कुल